मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्पिटेंस इफेक्ट पर न्यूमेरिकल सेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल किए थे। आज ही हम अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल के साथ तैयार हैं, और जिसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर करने का प्रयास करते हैं। एन एक्सरे फोटॉन इज फाउंड टू हैव इट्स वेवलेंथ डबल्ड। एक एक्सरे फोटॉन है, उसका वेवलेंथ डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है? ऑन बीइंग स्कैटर्ड थ्रू 90 डिग्री। जब वो एक्सरे फोटॉन कितने एंगल पे स्कैटर्ड होता है? 90 डिग्री पे स्कैटर्ड होता है। यानी एक्सरे फोटॉन आया लैम्डा वेवलेंथ का, किसी एटम के द्वारा स्कैटर्ड हुआ और ऐसे जाता, स्कैटर्ड ऐसे हुआ, यानी थीटा क्या हुआ? 90 डिग्री। और तब स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा डैश। कर आप फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ए वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। ये जो इंसिडेंट फोटॉन है, इसका वेवलेंथ निकालना है, यानी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और इसी का एनर्जी निकालना है। अगर वेवलेंथ पता चल गया तो एनर्जी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास फार्मूला है कि जो एनर्जी ई होती है, दैट इज एस सी अपॉन लैम्डा। तो एच और सी तो कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज हमको नोन होती हैं। अगर लैम्डा हमको पता है तो हम एनर्जी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो ट्राई करते हैं। तो लैम्डा कैसे निकालें? हमारे पास थीटा दिया हुआ है। जब थीटा दिया होता है तो हम निकालते हैं डी लैम्डा। डी लैम्डा क्या है? कॉम्पटन शिफ्ट, विच इज एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से डी लेमडा निकला। और डी लेमडा क्या होता है? लेमडा डैश माइनस लेमडा, इट इज डी लेमडा। अगली बात, लेमडा डैश भी दिया है। करा एक्सरे फोटॉन इज फाउंड टू हैव इट्स वेवलेंथ डबल्ड, यानी स्कैटर्ड फोटॉन जो है लेमडा डैश, ये डबल हो जाता है कब? लेमडा का, जब 90 डिग्री पे स्कैटर्ड होता है तो लैम्डा का 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे 2 लैम्डा, लैम्डा डैश की, तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा डी लैम्डा हो जाएगा, यानी डी लैम्डा लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। यानी जो डी लैम्डा की वैल्यू होगी वही लैम्डा की वैल्यू होगी। आइए ट्राई करते हैं। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, पहले जो दिया गया है मैंने आपको बताया है। गिवन क्या दिया गया है? कि जो लैम्डा डैश है, स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ है, वो 2 लैम्डा है, एंड थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो फ्रॉम कॉम्पटन स्कैटरिंग फार्मूला, या सिंस कॉम्पटन शिफ्ट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम कॉम्पटन स्कैटरिंग फार्मूला डी लैम्डा क्या होगा? इट इज एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। और थीटा यहां 90 डिग्री है, तो डी लेमडा हो गया एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या है आपका? 90 डिग्री है। और कॉस 90 इज 0, तो सीधे सीधे डी लैम्डा क्या हो जाएगा? एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90 आपका 0 होगा, यानी 1 बचेगा। तो डी लैम्डा क्या है? एच अपॉन एम नॉट सी। यहाँ हर चीज की तो वैल्यू है। वैसे भी ये कॉम्पटन्स वेवलेंथ है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो, विच इज 0.0243 एंगस्ट्रॉम। और आप चाहो तो सबकी वैल्यूज पुट कर सकते हो सम्मानपूर्वक। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि 6.625 10^-34 है। एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, जो कि 9.1 10^-31 केजी है। ये लाइट का वेलोसिटी, ये सबके द्वारा
नोन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज पुट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो डायरेक्ट लिखना तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम। तो ये चूंकि एमकेएस में है इसलिए डी लैम्डा हो जाएगा 0.0243 × −10 मीटर, और एंगस्ट्रॉम में चेंज करना चाहो 0.0243 एंगस्ट्रॉम, ये डी लैम्डा आया। ये क्वेश्चन हो गया आपका, इट इज इक्वेशन वन। अच्छा गिवन दिया क्या गया है, पहले हम लिखेंगे सिंस डी लैम्डा, और क्या होता है स्कैटर्ड डी लैम्डा इज चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटॉन, जो क्या होता है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन और वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन का डिफरेंस। तो डी लैम्डा इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और लैम्डा डैश क्या है इट इज 2 λ − λ, सिंस लैम्डा डैश क्या है 2 λ, यानी डी लैम्डा हो गया लैम्डा के ही इक्वल। तो कंपेयरिंग 1 and 2 आपका वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन मिल गया, बधाई हो। कंपेयरिंग 1 and 2 लैम्डा जो है, इसमें दो चीज निकालनी थी वेवलेंथ और एनर्जी, तो लैम्डा मिल गया, लैम्डा इज 0.0243 एंगस्ट्रॉम। ओके ये इतना मिला लेकिन एनर्जी नहीं मिली, तो इतना नोट करिए फिर एनर्जी भी निकाल लेते हैं। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं फिजिक्स के, बस जैसे जैसे कहा जा रहा क्वेश्चन में वैसे वैसे करते आइए, बिल्कुल रिजल्ट आपके हाथ में होगा, हमेशा आपको मनवांछित फल प्राप्त होता रहेगा। तो एनर्जी क्या है, लैम्डा पता है तो एनर्जी आप निकाल सकते हो, सिंस एनर्जी ऑफ फोटॉन ई क्या होता है SC/λ, एच आपको पता है, सी पता है, लैम्डा आपने निकाला है, लेकिन ये वैल्यू नहीं पुट करूंगा एंगस्ट्रॉम वाली, क्योंकि एच आप जूल सेकंड में लिखोगे, सी मीटर पर सेकंड में लिखोगे, तो लैम्डा जो है ये वाला पुट करोगे मीटर वाला, ये डी लैम्डा है, लेकिन जितना डी लैम्डा वही लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू भी इतनी ही होगी। तो पुटिंग वैल्यूज, एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या हुआ, एस की वैल्यू आपकी ये इतनी है, सी है 3 × 10⁸, और लैम्डा क्या है 0.0243 × −10, और ये सॉल्व करोगे अगर तो एनर्जी आपकी जूल में आती है, और जो कितनी आती है अप्रॉक्सीमेटली 8.106, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 8.106 × −14 जूल, कितने जूल एनर्जी आएगी। तो ये क्वेश्चन आपका ये हो गया, इसको नोट करें, तब तक हम इधर रफ करते हैं। ओके एक चीज मैं आपको और मॉडिफाई कर दूं, यहां चूंकि क्वेश्चन में 9 दिया है तो यहां 9.1 के बजाय आप 9 ही पुट करिए, तब भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, ठीक है, उसका मतलब नहीं है, बट क्वेश्चन में जो दिया होगा वही वैल्यू पुट करेंगे, पॉइंट्स में अंतर आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहां न्यूमेरिकल कराने का सीधा सा एम है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आप खुद भी चेक कर सकते हो। बट जो क्वेश्चन में दिया जाए न्यूमेरिकल वैल्यू वही आप पुट करेंगे, क्वेश्चन अगर दिया गया है माना हाथी 10 रुपए का है तो हाथी 10 रुपए का ही लेना है, जबकि ऐसा नहीं होता है। चलिए तो
नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन एक्सरे ऑफ एनर्जी एनर्जी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स ए टारगेट, दे आर स्कैटर्ड एट एन एंगल 30 degree। फाइंड द एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द एनर्जी ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसका सोल्यूशन किया जाए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले इधर तरफ कर लें, फिर आपको समझाएं हम। तब तक आप सोचिए कैसे करेंगे। हमने कहा ना पूरा क्लासरूम की तरह ही आपकी क्लास चलेगी। सोचने समझने लिखने का पूरा टाइम। करा व्हेन एक्सरे ऑफ एनर्जी 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्सरे जो इंसिडेंट हो रही है और उसकी एनर्जी क्या होगी, एससी बाई लेमडा, वो दिया गया है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेवलेंथ में एससी बाई लेमडा, और अगर फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो एच न्यू। फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी में, और वेवलेंथ के टर्म में क्या होती है, एससी बाई लेमडा, जो कि कितनी है, जो कि है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्ट्राइक करती है किसी टारगेट पे, किसी एटम पे स्ट्राइक कर रही है। दे आर स्कैटर्ड एट एन एंगल 30 degree। तो ये आपका इंसिडेंट डायरेक्शन है। एक्सरे कैसे स्कैटर्ड हो रहा है, ये स्कैटर्ड हो रहा है 30 degree पे। फाइंड एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक्सरे इधर स्कैटर्ड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर रिक्वायर्ड होगा। इस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, जो कि क्या होता है, प्रोसेस में हम बता चुके हैं कि फोटॉन आता है, अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होता है, फोटॉन स्कैटर्ड हो जाता है। तो फोटॉन आया, कुछ एनर्जी दिया, बाकी एनर्जी बची रहेगी। तो कितनी दिया वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, और वो कितनी होगी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन। ओके, तो स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू डैश या एस सी अपान लैम्डा डैश। तो दो तरीके हैं, एक तो हमको ये दिया हुआ है तो यहां से हम लैम्डा निकाल लें, और चूंकि थीटा पता है तो डी लैम्डा निकालेंगे कॉम्प्टन स्कैटरिंग फार्मूला से। ओके, और डी लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा डैश मिल जाएगा। क्यों, लैम्डा डैश क्या होता है, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, क्योंकि डी लैम्डा है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। अब लैम्डा डैश निकल आया तो आप स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी निकाल सकते हो, और स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी निकल आई, इंसिडेंट की पता थी, स्कैटर्ड की निकल आई, तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हो। लेकिन इस तरह से लैम्डा निकालने में सावधानी है कि इस किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप सम्मान पूर्वक किस में चेंज कर लोगे, जूल में, क्योंकि एच आपका जूल सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये भी जूल में होना चाहिए। और जूल में कैसे चेंज होगा, कि पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, किलो को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो 10^3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको,
1.6 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना करने ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हमको एच एन यू पता है ये, और हम काउंटेंस स्कैटरिंग फार्मूला लगाएंगे, वहां न्यू के टर्म में उसको चेंज करेंगे और एच एन यू डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच एन यू पता है इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी, डायरेक्ट एच एन यू डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, और एच एन यू डैश ये क्या है, स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी, सीधे एच एन यू माइनस एच एन यू डैश करेंगे तो मनवांछित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे में करने जा रहा हूं डायरेक्ट, बिना इसको चेंज किए को, बिना लैम्डा की वैल्यू निकाले, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा, ठीक। आप उस तरह से भी चेक कर सकते हो, हम डायरेक्ट वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, हमने कहा न्यूमेरिकल में जो दिया गया उसको लिख लेंगे। गिवन क्या दिया गया है कि जो एच न्यू है या एस सी बाई लैम्डा है, इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी है वो कितना है, इट इज 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थीटा क्या है, थीटा है 30 डिग्री, थीटा इज 30 डिग्री, ओके। अब हम लोग लिखेंगे काउंटर स्कैटरिंग फार्मूला, तो वहां से आप क्या लिखते हो, सिंस डी लैम्डा ये कितना होता है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये चेंज इन वेवलेंथ होता है, जो इंसिडेंट फोटॉन और स्कैटर्ड फोटॉन के वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, और ये होता है एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा उधर गया, लैम्डा प्लस एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, और लैम्डा डैश को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है क्योंकि सी इक्वल टू न्यू लैम्डा है तो लैम्डा क्या होगा, सी अपान न्यू, तो लैम्डा डैश हो गया सी अपान न्यू डैश, इट इज सी अपान न्यू डैश इक्वल टू लैम्डा क्या हुआ, ये सी अपान न्यू प्लस एच अपान एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से सी ऊपर से हटाना है, हमको एच न्यू डैश लाना है, तो नीचे एच से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 अपान सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से अगर हम 1 अपान सी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख देंगे सिंस सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो सी इक्वल टू और क्या होगा, न्यू डैश लैम्डा डैश भी हो जाएगा। तो लैम्डा क्या होगा, सी अपान न्यू, और लैम्डा डैश क्या होगा, सी अपान न्यू डैश हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ये 1 अपान न्यू डैश क्या हुआ, इट इज 1 अपान न्यू, हमने 1/c से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहां 1/c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एच अपान एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज आपको हम रिमाइंड करा दें कि जब हम पढ़ा रहे थे आपको काउंटर स्कैटरिंग फार्मूले का डेरिवेशन, तो ये वाला फार्मूला आपको डायरेक्ट मिला था, साक्षात मिला था, तो वहां से इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता है, ऐसा होता ही है, सीधे लिख सकते हो फ्रॉम थ्योरी ऑफ काउंटर इफेक्ट, ठीक है। लेकिन हमने यहां भी बता दिया कि कैसे आएगा, वहां हमने यहां से चले थे और ये पाए थे, आज उल्टा हो गया, ठीक है, दोनों वेरीफाई हो गया। तो आपको एच न्यू डैश चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप 1/s से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 1 अपान एच न्यू डैश इक्वल टू ये 1 अपान एच न्यू, और यहां 1/s से मल्टीप्लाई होगा तो हट जाएगा 1 अपान एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए एच न्यू आपको पता है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करोगे, एम नॉट क्या है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास, सी स्क्वायर क्या है लाइट की वेलोसिटी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी निकलेगी, ये है इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी जो आप निकाल सकते हो, क्या रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एम नॉट सी स्क्वायर क्या है, ये एम नॉट इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है 9.1 10 पावर माइनस 31, और सी स्क्वायर मतलब 3 × 10⁸ इसका स्क्वायर, तो ये जूल में आएगा, लेकिन हम लोग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहे हैं,
इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चेंज कर लें। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कैसे होगा, अगर हम 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, किलो में करना है तो हम 10³ से और डिवाइड कर दें, तो सीधे सीधे एम नॉट सी स्क्वायर जो आएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो आ जाएगा 5.11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज 5.11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना ही आएगा। ओके किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको आप चेक कर लीजिए 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो ये 10⁶ होता है, ये 5.11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये 5.1 नहीं 5.11 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यू कैन चेक इट, ठीक है। क्योंकि ये -13 हो जाएगा, -16 होगा, और ये 16 ये हो जाएगा 32। ये 16 ऊपर जाएगा 16, ये 16 32, और यहां से भी ये हट जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा तो किलो में 5.11 ही आना चाहिए फिर। चलो आप देख लेना अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, जो यहां दिया हुआ 5.11 दिया है, लेकिन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो देखा गया वो एनर्जी कुछ 0.51 आई है, तो चूंकि मिलियन होता है 10⁶ में, तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.11, हाँ ठीक है। चलिए तो अब वैल्यू पुट करें हम सारी वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज इन वन, पुटिंग डेटा इन वन, आप 1/h(ν′) क्या हो गया, इट इज 1/h(ν) है आपका 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1/5.11 और 1 − cos 30, cos 30 इज √3/2.866। ये सब आप सॉल्व करोगे, ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। 1/5.11 1 माइनस ये 0.866 होता है, तो 1/h(ν′) आता है आपका 0.0102। और इसको अगर आप इन्वर्स करोगे तो h(ν′) आता है 98.04 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी आपको दी हुई है, स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी आपने निकाल ली, तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी आपको मिल जाएगी। Therefore, energy of required electron जो कि क्या है, E, it is incident photon की energy minus scattered photon की energy। Incident photon की energy 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, माइनस ये 98.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.96 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है।
ओके तो अब लेक्चर तो लेंदी हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा न्यूमेरिकल और लिख रहे हैं और उसको ऐसे हिंट के तौर पे बता दे रहे हैं। इजी है, इसलिए आप उसको खुद ही सॉल्व कर सकते हो। इसको नोट करिए, फिर उसको लिख देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। इन कॉम्प्टन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन कॉम्प्टन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सरे ऑफ वेवलेंथ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.015 एंगस्ट्रॉम इज स्कैटर्ड एट एट 60 डिग्री। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे। Find the wavelength of the scattered X-ray. बहुत आसान क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए फिर पढ़ते हैं। ओके तो कह रहा है इन कॉम्प्टन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सरे ऑफ वेवलेंथ दिस, यानी जो लैम्डा है वो दिया हुआ आपका, जो कि 0.015 एंगस्ट्रॉम है, और ये स्कैटर्ड होता है 60 डिग्री पे, इंसिडेंट डायरेक्शन है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो स्कैटर्ड, ये स्कैटर्ड एक्सरे है, ये लैम्डा डैश, इसका वेवलेंथ निकालना है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है, दो लाइन का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, क्योंकि आप लिखते हो कि जो डी लैम्डा है इट इज लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, और डी लैम्डा ही क्या होता है, एच अपान एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, निकालना क्या है, लैम्डा डैश। तो लैम्डा डैश क्या होगा, लैम्डा प्लस लैम्डा उधर चला गया, एच अपान एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करोगे, लैम्डा दिया हुआ है 0.015, ये एच अपान एम नॉट सी की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.0243, 1 माइनस कॉस 60 हो जाएगा, यहां पर कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 ही आएगा। लैम्डा डैश इक्वल टू 0.015 प्लस 0.0243 इंटू 1/2, ये कट करोगे तो 0.01215, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 1 2 5 7 1 1 2 0.025 0.02715 एंगस्ट्रॉम इतना जाएगा। तो इस तरह से कॉम्प्टन इफेक्ट पर भी न्यूमेरिकल आज हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग वेव फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, द वेव फंक्शन, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर उन वेव इक्वेशन और वेव फंक्शन के एप्लीकेशन से पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।